देखिए गाइस, हमारी छत पे लगाए हुए सारा फ्लावर्स मैंने तो बहुत बार शेयर किया है, लेकिन कितना सारा फूल आया है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। मुझे ना ऐसे फूल लगाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब तोड़ना मुझे पसंद नहीं है। लोग तोड़ के ऐसे पूजा करते हैं ना, मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। मुझे देखिए ऐसे रह रह के सूख गया है, लेकिन ऐसे ही रहने देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मतलब पेड़ पे फूल ऐसे खिला हुआ रहना अच्छा लगता है। क्या तोड़ के पूजा कर लो, फिर शाम को वो बासी हो जाएगा, उसे आप फेंक दोगे। तो ऐसे ही रहने से ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि सारा कितना सारा फ्लावर्स आया है। और यहाँ कुछ कुछ लगाया हुआ है, पुदीना, धनिया, ये सारा कुछ भी लगाया हुआ है, जो कि यहाँ से तोड़ के हम बनाते हैं चटनी। यहाँ पे भी मैंने फूल लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी फूल आया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये देख सकते हैं धनिया के पौधे, यहाँ से मैं तोड़ तोड़ के लेके सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ, जो कोई फ्रेश आपको मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। स्मेल बहुत ही टेस्टी एंड स्मेल बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं फ्लावर्स। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब, खूब सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और सैटरडे इवनिंग को थोड़ा सा चटपटा खाने का मन करता ही है। तो अभी बज चुका है रात के 8 और हम बनाने जा रहे हैं डिनर। तो डिनर में आज बनेगा कुछ चटपटा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है क्या, छोले भटूरे, मेरे प्रिंस के फेवरेट छोले भटूरे। छोले भटूरे, आर यू एक्साइटेड? यस यस। ढावा स्टाइल छोले भटूरे, मतलब छोले तो ऐसे आप रोज घर पे बनाते होंगे, लेकिन कलर एक आना चाहिए, रेडिश कलर एक आता है तो ढावा स्टाइल लगता है, और टेस्ट भी आना चाहिए, टेस्ट के साथ कलर दोनों आना चाहिए। तो वो कैसे क्या करते हैं, और मैं छोले तो ऐसे बहुत बार मैंने बनाया है, बहुत बार ऐसे मैं बनाती हूँ। सामने आ जा, नहीं दिख रहा है। तो छोले तो मैं ऐसे बहुत ही बार बनाती हूँ, लेकिन भटूरे मैं पहली बार बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग खाते हैं मैदा इतना पसंद नहीं करते हैं, तो पूरी बना लेते हैं या पराठा बना लेते हैं छोले के साथ नॉर्मली सा। लेकिन आज सोचा ट्रेडिशनल कुछ बनाया जाए, जो छोले के साथ भटूरे ही आता है वही बनाया जाए। तो आ चुके हैं हम किचन में, और असिस्ट करेगा मुझे कौन, मेरा प्रिंसू असिस्ट करेगा ना बीबी। हाँ, चलिए पहले भटूरे के लिए आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 4 कप मैदा, और इसमें डालूंगी 4 चम्मच सूजी। जितना कप मैदा लेंगे उतना ही चम्मच हम सूजी डालेंगे, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और 1 कप दही लिया है मैंने, थोड़ा सा सोडा लिया है 1/2 टेबल स्पून, एंड उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल भी डाला है, भूल गई थी तो बाद में डाला। ये सारा कुछ डाल के मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी पहले। और यहाँ लिया है हल्का गुनगुना पानी, इसमें हम आटा लगाएंगे, ठंडा पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी हम लेंगे, और अच्छे से एक सॉफ्ट डो बना देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं, सॉफ्ट डो बनाएंगे। जितना पानी चाहिए थोड़ा थोड़ा बाद में इसे डालते रहेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो पूरा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे। ये देखिए एक ही बार मैंने पानी लिया, और उतने ही पानी में मेरा आटा लग गया, डो पूरा प्रिपेयर हो गया। ऐसे इस सारे तरफ से छोड़ने लगेगा, अपने आप ही छोड़ने लगेगा, तो हमारा डो रेडी हो जाएगा। देखा आप लोगों ने मैंने कैसे क्या आटा लगाया, और उसे मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के एक गीला कपड़ा ढककर उसे फर्मेंटेड होने के लिए रख देंगे। उसी समय में हम बना लेंगे छोले। तो छोले बनाने के लिए मैंने पहले ही छोले भिगो दिए थे, सुबह से भिगो दिए थे, क्योंकि रात को बनाने होते हैं तो सुबह भिगो देंगे तो हो जाएगा। तो सुबह से भिगो दिया था, और अभी उसे उबाल ली हूँ।
प्रेशर कुकर में कुक कर ली हूँ। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सोडा डाल के मैं इसे उबालती हूँ। तो प्रेशर कुक में 4 to 5 सीटी मैं लगा दी हूँ। मेरा छोले रेडी है, मसाला रेडी करेंगे और छोले बनाएंगे। छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, डाला पहले जीरा और डाल दूंगी सारा खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, सारा कुछ डालने के बाद थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और बहुत सारा प्याज। प्याज अच्छे से भुनने के लिए इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, जैसे कि मैं 2 बार नमक डालती हूँ, पहले प्याज में थोड़ा सा और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा। देखिए प्याज अच्छे से भुन चुका है और यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा मैंगो जिंजर। ये हमारी कोई सा भी सब्ज़ी हो इसे एक टैंगी सा टेस्ट देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर कोई जगह मिलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ मिलता है तो मैं डालती हूँ, डालने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी अच्छे से भुनने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद डालेंगे टमाटर। तो जैसे कि पता है टमाटर डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और रेडी हो जाएगा हमारा एक फाइन सा पेस्ट मसाला। उसमें डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी। सारा कुछ मसाला आप पीस के भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डालती हूँ तो मैंने ऐसे ही किया। कसूरी मेथी डालने के बाद इसे भी अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जैसे कि मसाले से तेल छोड़ने लगेगा, तब तक हम भूनेंगे। और अच्छा सा कलर लाने के लिए जैसे मैंने बताया, तो कलर लाने के लिए यहाँ मैंने रखा है थोड़ा सा पानी गर्म करूँगी और थोड़ा सा उसमें चाय पत्ती डाला है। चाय पत्ती में एक उबाल आ जाए तब मैं बंद कर लूँगी, ज़्यादा उबालूँगी नहीं। और छोले डालने के बाद ये वाला पानी मैं डाल दूँगी सब्ज़ी में, तो आ जाएगा एक अच्छा सा रेडिश कलर। ज़्यादा उबालेंगे नहीं, ज़्यादा उबालने से वो कड़वापन आ जाएगा। लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा तड़का। तड़का डालने के लिए लिया है ऑयल, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा अदरक। ये आपकी सब्जी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है लास्ट वाला तड़का। अभी हमारा छोले रेडी हो चुका है। देखते हैं हमारे भटूरे के लिए जो आटा लगाया था उसका क्या हालत हो रखा है। जैसे कि मैंने बताया छोले तो मैंने बहुत ही बार बनाए हैं, लेकिन भटूरे मैं पहली बार बना रही हूँ। देख सकते हैं आटा खुल गया है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा स्पॉन्जी हो गया है, तो इसका हम चलिए बना लेते हैं भटूरे। तब तक मैं छोले बना रही थी तब तक मेरे भटूरे के आटे फॉर्मेंटेड हो चुके थे और फॉर्मेंटेड होने से ये अच्छे तरीके से फूलते हैं। तो मेरे भी भटूरे सारे बहुत अच्छे तरीके से फूले थे, जैसे कि बताया मैंने पहली बार बनाया लेकिन बहुत अच्छी तरह से फूले थे। ये इसकी चारों साइड थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और ज़्यादा मोटा नहीं कि ज़्यादा पतला नहीं, ऐसे ही बेलना चाहिए था। तो ऐसे ही मैंने सारे बेल के रख लिया था और जितना आटा मैंने लगाया था इसमें 10 भटूरे आ गए थे, हो गए थे। तो 10 भटूरे को मैं बेल रही हूँ, उसके साथ ही तल रही हूँ। और तलने के लिए हमें चाहिए होगा बहुत ही हॉट ऑयल, ज़्यादा सा ठंडा ऑयल में ये नहीं होगा, हॉट ऑयल में अच्छा होता है। तो गाइस मेरे छोले भटूरे बनके रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे परफेक्ट भटूरे बने हैं। तो कभी सोचा नहीं था इतना परफेक्ट बनेगा फर्स्ट टाइम ट्राई करके। तो छोले भटूरे तो ये खा भी चुका है, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो चलिए हम करते हैं डिनर। ये डिनर में ही बनाया है, जैसे आपको पता है सारा कुछ मैं डिनर में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो चलिए करते हैं डिनर और ब्लॉग को करती हूँ एंड यहीं पे। कभी सोचा नहीं था छोले भटूरे इतना अच्छा बन जाएगा है। छोले थोड़ा ओवर कुक हो गया है लेकिन चलेगा, मसाला बहुत ही यमी बना है, कलर भी देख सकते हैं बहुत ही प्यारे आए हैं। तो ब्लॉग को करती हूँ एंड यहीं पे। क्यों आपको नेक्स्ट कोई ब्लॉग में अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।